बसमिल आई एम एंड यू आर नाव वाचिंगजू लिटरेचर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रेंड्स आज आपको बी आई एफ फोर जीरो वन की असाइनमेंट नंबर टू का सोल्यूशन बताऊँगी जिसके टोटल मार्क्स ट्वेंटी हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो टेंथ फेब्रेरी है तो आपने अपनी इस असाइनमेंट को बनाने के बाद एम एस वर्ड में या फिर पी डी एफ में कन्वर्ट करके इसको सबमिट करवाना है तो चलें स्टार्ट करते हैं आपने इसके इंस्ट्रक्शन भी पढ़ ही लेनी है सारी ठीक है जैसे इंस्ट्रक्टर ने बोला वैसे ही करना है और ये पूरी ऑनलाइन असाइनमेंट है जो आपको ऑनलाइन ही बनानी पड़ेगी तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है उसका पार्ट वन है एक्सप्लोर दी होम एन ये आगे प्रोटीन का जो सिक्वेंस है ये लिखा हुआ है तो हमने ये एक्सप्लोर कैसे करना है सबसे पहला और जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है एनसीबीआई के होम पेज पे जाना और उसके लिए ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है तो यहाँ से हमने वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है और वहीं पर जाना है उसके बाद जब इसे ओपन करेंगे तो होम पेज पर पे, वहाँ पर आल डेटा के ऊपर ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करके प्रोटीन को सिलेक्ट करेंगे फिर सात वाला जो सर्च बार होगा उसमें ये प्रोटीन का सीक्वेंस लिख के इसे सर्च करेंगे तो चले पहले मैं इसको ओपन करती हूँ इस सीक्वेंस को यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको क्रोम पे जाके ओपन करते हैं यहाँ से आपने इसको विदाउट ब्रैकेट्स ठीक है ब्रैकेट्स के बगैर जो है आपने इस सीक्वेंस को कॉपी करना है और क्रोम पे जाके यहाँ पर पेस्ट करके इसको ओपन करना है तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस दर एन का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है मेन हेडिंग दी हुई है वहाँ पे कि आल डेटा बेस यहाँ पर आल डाटा बेस पर आपने क्लिक करके यहाँ से प्रोटीन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से मैं प्रोटीन सेलेक्ट कर लेती हूँ प्रोटीन को सर्च करके यहाँ पर आप प्रोटीन सेलेक्ट कर लें देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि आगे आपने क्या करना है प्रोटीन को नेविगेट करने के बाद ये वाला जो सीक्वेंस है इसको सर्च बॉक्स में लिखना है यहाँ से मैं इस सीक्वेंस को कॉपी कर रही हूँ और वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखूँगी जी तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में मैंने ला उसे पेस्ट कर दिया अब आप इसको आपने सर्च करना है अच्छा इस प्रोटीन के जो सीक्वेंस है ये वाला ये प्रोटीन है इसी सीक्वेंस के साथ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, है हुमेन के अंदर भी है और नीचे जो दिए हुए में सारे ऑर्गेनिज़म आप देख सकती हैं यहाँ से जित जितने भी ज़्यादा सिक्वेंस आएंगे उनमें से हमने सोडियम पोटाशियम कैल्शियम फिर जो होगा आइसोफॉर्म वन वाला और इसका एन पी ए जो लिखा हुआ है ना ये वाला नंबर सेशन सेशन नंबर ये आप गौर से देख लें ये वाला सेशन नंबर वहाँ पर हमने इस प्रोटीन के सिक्वेंस का मैच करके वही लिंक ओपन करना है आइसोफॉर्म वन हो और साथ सेशन नंबर ये हो ठीक है तो चले मैं यहाँ पर जाके सर्च करती हूँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होंगे सीक्वेंस आपने वहाँ से ये फर्स्ट वाला नहीं सेलेक्ट करना इससे नीचे होगा ठीक है तो यहाँ से आप अगर सर्च करें तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गनिज़म्स के आ रहे हैं जी तो यहाँ से आपने देखना है होमोसेपियनस की सोडियम पोटाशियम वाला जो सीक्वेंस होगा और वो आइसोफॉर्म वन में होगा ठीक है वो ये सेवन्थ नंबर पे है मेरे पास तो और इसका ये सीक्वेंस भी सेम सेशन नंबर भी सेम वही है मैंने इधर से मैच किया है ठीक है सेम वही चीज़ जो हमें रिक्वायर है वो ये है इस तरह के डिफरेंट होगी आपने वो नहीं लेनी एग्जैक्ट मैच करके ही लेनी है तो आपने इसको ओपन कर लेना है मैंने उसको ओपन किया है तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है ठीक है सारी उससे प्रोटीन की ओवरऑल स्ट्रक्चर आ गई है और जो है जहाँ पर इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है हमारे क्वेश्चन में वो हैं कि हमने इस सिक्वेंस को फास्टा फॉर्मेट में ओपन करना है फास्टा फॉर्मेट में ओपन करें और सीक्वेंस जो होगा उसको आपने अमाइनो एसिड का वो चेक करना है यहाँ से कॉपी करना है तो मैं फास्टा पे क्लिक करती हूँ ऊपर और फास्टा फॉर्मेट में ये हमारे पास ओपन हो जाएगा ये देखें इस प्रोटीन का हमारे पास होम्योसेपिंग्स की जो प्रोटीन है उसका फास्ट ऑफ फॉर्मेट में ये सिकवेंस मेरे पास आ गया नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है इस सीक्वेंस को कॉपी करना है ठीक है इसके हेडर समेत और यानी नेम के साथ और नीचे ये जो वेबसाइट दी गई है लिंक दिया हुआ जिस वेबसाइट का इस वेबसाइट को ओपन करना है और वहाँ जा जाके एक बॉक्स होगा उसके अंदर हमने इस एक सिक्वेंस को पेस्ट कर देना है तो चले मैं यहाँ पहले इस लिंक को ओपन करती हूँ उसको मैंने वहाँ से कॉपी किया यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट कर दिया है अब ये ओपन होगा चलें यहाँ पर ये यह ओपन हुआ है यहाँ पर आपके सामने इसका इस तरह इंटरफेस होगा यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि आपने क्या कहाँ जाना है प्रोटीन ब्लास्ट आइकॉन के ऊपर जाना है इसको ओपन करने के बाद ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए प्रोटीन यहाँ पे न्यूक्लोटाइड ब्लास्ट है बी ब्लास्ट टी एक्स ए टी ब्लास्ट एन है तो यहाँ पर ये यह है टी ब्लास्ट प्रोटीन ब्लास्ट सॉरी इस प्रोटीन ब्लास्ट के ब्लास्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये इस तरह आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा आपने यहाँ पर अब क्या करना है जो इसका आपने फॉर्मेट में सीक्वेंस ओपन किया था इंक्लूडिंग हैडर क्योंकि हेडर में इस सीक्वेंस का नेम और इंफॉर्मेशन होगी आपने वो भी साथ लेनी है और सीक्वेंस नीचे से स्टार्ट हो रहा होगा तो पहली लाइन जो थी वो हेडर की थी तो मैंने यहाँ पर इसे ला के पेस्ट कर दिया है तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस में दिया था कि इंट्री क्वेरी सीक्वेंस बॉक्स में आपने क्या करना है अपना सीक्वेंस पेस्ट कर देना है ठीक है और ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया जो फास्ट आफ सीक्वेंस था उसके बाद आपने क्या करना है कि कॉपी मैंने वहाँ से किया था और इधर पेस्ट कर दिया है ये वाला प्रोटीन ब्लास्ट के ऊपर आपको ये समझ आ ही गया होगा फास्ट सीक्वेंस मैंने वहाँ पर अभी सिर्फ पेस्ट किया है अब नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टेप टेन में अंडर द चूज़ सर्च सेट ठीक है सर्च सेट के नीचे क्या होगा हेडर दिया होगा फाइन डेटा बेस होगी वहाँ पर आपने क्या सिलेक्ट करनी है नॉन रिडेंटन न्यूडेंटन प्रोटीन सीक्वेंस आर एन एन आर को सिलेक्ट करना है एक बॉक्स के अंदर और दूसरे के अंदर आपने ब्लास्ट पी सिलेक्ट करना है जी यहाँ पर लिखा है चूज़ सर्च सेट इसमें आपने डेटा का ऑप्शन होगा वहाँ पर आपने नॉन न्यूडेंट एन नार वाला सिक्वेंस सेलेक्ट करना है जैसे मैंने किया हुआ है और नीचे आपने बी ब्लास्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने शो रिजल्ट न्यू विंडो करके ब्लास्ट पे क्लिक कर देना है ब्लास्ट पे क्लिक करेंगे याद देखिएगा यहाँ पर अलगोरिदम आपने ब्ल बी ब्लास्ट वाला बी ब्लास्ट पी वाला जो है सेलेक्ट करना है नेक्स्ट ये मेरे पास प्रोसेसिंग हो रही है जी तो इस तरह ये प्रोसेस होकर मेरे पास ओपन हो गई है सारी मैंने उस सिक्वेंस को इस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में ओपन किया है तो आप यहाँ देख रहे सकते हैं कि यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी है और डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है अब नेक्स्ट आपने जस्ट क्या करना ये सबसे जो यहाँ पर आपने पहले क्वेश्चन को सामने रखना है और गौर से समझना है डिस्क्रिप्शन दी हुई है ग्राफिक्स समरी दी हुई है अलाइनमेंट्स दी हुई है और टेक्सनॉमी दी हुई है तो आपके क्वेश्चन में भी ये बताया हुआ है सारा जो है इस पैराग्राफ में आपको चीज़ समझाई हुई है कि जब आप ग्राफिक्स समरी के ऊपर क्लिक करेंगे टॉप पैनल में प्रोटीन फैमिली शो होगी वो वाली जो कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं ठीक है, है जिसका हमने स्कून से पुट किया था तो ग्राफिक पैनल जो होगा वो हमें अलाइनमेंट देता है ठीक है जैसे ये नज़र आ रही है आपको ये ग्राफिक पैनल यहाँ पर है ये फर्स्ट जो सी प्रोटीन सिक्वेंस वो वाला है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं टॉप के ऊपर हुमेन वाला ठीक है नीचे जो वो प्रोटीन्स हैं जो हुमेन की प्रोटीन्स के साथ जिनका सिक्वेंस मिलता है डीएनए मिलता है तो ये प्रोटीन अभी हम स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो आगे आप देखेंगे कुछ हिट्स लाइन नज़र आती हैं इन इनपुट सिक्वेंस की रेड बार्स बार्ज शक्ल में रिप्रेजेंट हो रही हैं ठीक है वो वेल अलाइंस सिक्वेंस है जो लेंथ होगी रेड बार्स की वो हमें बताएगी कि कितनी है यहाँ पर मैं ग्राफिक समरी पे पहले क्लिक करती हूँ पहले स्टेप में हमें इंस्ट्रक्टर ने क्या समझाया हुआ है ये वाली जो वो सिक्वेंस है जो हमने इनपुट किया था ये उसका आउटपुट है ठीक है ये आप रेड लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं बार्स की शक्ल में इधर वो सिक्वेंस लिखा हुआ है जो हमें रिक्वायर है ये उसका शॉर्ट कंट नेम लिखा हुआ है ठीक है ये आप देख रहे हैं ऊपर फुल इसकी एक्सप्लेनेशन है तो ये वाली जो ह्यूमन हुम, हुम का जो हमने सीक्वेंस सेलेक्ट किया था वो वाला अब जो है जो रेड लाइंस हैं बार्स हैं उनकी लेंथ है, जो होती है अब हमें बता रही होती है कि कितनी ज़्यादा सीक्वेंस एक दूसरे से कितना मैच कर रहे हैं कितनी सिमिलरिटी है उनके दरमियान जहाँ पर सिमिलरिटी कम होगी वहाँ पर जो बार्स होंगे वो छोटे होंगे जहाँ पर सिमिलरिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे जो बार्स हैं वो बड़े होंगे जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बार्स जो हैं वो साइड से छोटे हैं और ऊपर वाले बड़े हैं तो जहाँ पर ज़्यादा सिमिलरिटी मैच कर रही है ना वहाँ पर बार्स जो हैं वो लॉन्ग है लेंथ उनकी ज़्यादा और इनकी शॉर्ट है चलें फर्स्ट स्टेप में तो आपने ये देख लिया समरी वाले में अब जो नेक्स्ट बॉक्स है आगे उन्होंने लिखा हुआ है अंडर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में जाएंगे हिट्स होंगी प्रोटीन की जो कि डेटा बेस एन सी बी आई डेटा बेस में मौजूद हैं जिन्होंने इस हुमन की इस प्रोटीन को अलाइन किया हुआ ये वाली ठीक है मैंने अब डिस्क्रिप्शन में आ गई हूँ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है सारे क्वरी है क्वारी कवर है सेशन नंबर है और टोटल स्कोर है मैक्सिमम स्कोर है और जो नेम है ना जब ये आप ओपन करेंगे आप वेबसाइट आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएगा ये स्पीशीज के नेम और ये उनका सिक्वेंस है साथ अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो स्टेप दिया गया हमारे क्वेश्चन में पहले वो देख लेते हैं स्टेप नंबर फोर्टीन है कि उस लिस्ट में से जो हमारे पास अभी सिक्वेंस के पीछे मौजूद है उसमें से हमने पेन ट्रोगलोडाइट्स को हीट करना है फाइंड आउट करना है तो पेन ट्रोगलोडाइट्स को फाइंड आउट करके उसका कॉमन नेम बताना है पैन पैंट्रोगलोडाइट्स चैम्पेजी को बोलते हैं ठीक है चम्पेन्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका होमो होमन जो है इसके साथ डी एन ए जो है सिमिलर है डी एन ए मिलता है तो मैं क्या करूँगी वट इज़ द कामन नेम ऑफ ट्रोगलोडाइट्स तो यहाँ पर मैं इसका कॉमन नेम देखने के लिए हम पैन डाइट्स के सामने उसकी जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई हमें यहाँ पर सारी क्वारी नंबर भी टोटल स्कोर भी मैक्सिमम स्कोर भी तो यहाँ पर सेशन नंबर होगा मैंने उसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल आएगी यहाँ पर उसका जो कामन नेम है वो आपको शो हो जाएगा यहाँ पर सोर्स और ऑर्गेनिज्म नेम लिखा है पैन ट्रोगलोडाइट्स चैमपिंजियम चैमपिजी जो है ये इसका कॉमन नेम है ये यहाँ पर हम हाँ लिख देंगे ठीक है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ वहाँ से मैंने कॉपी किया है अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन और चैम्पिनजी का डी एन ए कितना एक दूसरे से मैच करता है तो डी एन ए जो है इनका नाइन्टी नाइन पॉइंट फिफ्टी टू परसेंट सेम है अच्छा ये जो नाइन्टी नाइन पॉइंट फिफ्टी टू परसेंट इनकी आइडेंटिटी है जो सेम है इनका आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है इसकी बेस पे ह्यूमन का और चैम्पन्जी का तो ये हमने बताना है कि इन कॉमन एंसेस्टर होने की वजह से इनका जो है सेम ये आ रहा है डी एन ए में सिमिलरिटी आ रही है ठीक है तो ये आपने बता देना है ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है कि किस तरह मैच करता है और क्यों मैच करता है और कितने ईयर्स पहले तक था तो जो इसका थर्टीन मिलियन ईयर्स गोर में जब ऑर्गेनिज़म जो थे डाइवर्ज हुए थे उस वक्त इनका भी एवल्यूशन हुआ था डीएनए सीक्वेंस जो है डायरेक्टली कम्पेयर हुआ था इन दोनों का नाइन्टी नाइन्टी परसेंट सेम था डीएनए जो है इन और डिलीशन को अगर देखकर काउंट किया जाए तो नाइन्टी सिक्स परसेंट इनका सेम बन रहा है और ट्वेंटी नाइन परसेंट आप जो जीन्स हैं वो सेम अमाइनो एसिड के लिए दोनों के अंदर वमेन के अंदर भी और चैम्पियंजम के अंदर भी सेम अमाइनो ट्वेंटी नाइन परसेंट जो जीन्स है वो सेम कोड करती हैं सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड होती हैं तो ये आपने इसकी जो थोड़ी वॉलोशनरी रिलेशनशिप है ये आपने खुद अपनी वर्डिंग में लिख लेना और ये एक क्रोमोसोम्स होता है वाई क्रोमोसोम्स उनकी एंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि वो किस पे एंड कर रहा है और कितने जो है न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट कर रहा है दोनों में वो थोड़ा डिफरेंट है और ये भी कहा जाता है कि इंसान जो है वो बोलने की साहित रखता है और चैम्पियनजी जो है वो बोलने की सलाहियत नहीं रखता अगर हंड्रेड परसेंट सेम होता तो शायद चैम्पिनज़ी जो है वो भी बोलने की सलाहियत रखते होते क्योंकि इन दोनों की जो प्रोटीन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है जिसकी वजह से चैम्पन्जी जो है वो बोल नहीं सकते उनके अंदर वो इनएक्टिव है और हुमेन जो है वो बोल भी सकते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये नीचे दोबारा दूसरी स्पीशीज से रिलेटेड भी यही पूछा जाएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का किस तरह इवोल्व हुए हैं तो इस वहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिख कर दोनों को डिफरेंट तरीके से बयान करना है और यही उसका भी आंसर है तो ये वो भी तीन मार्क्स का है ये भी तीन मार्क्स का है तो ये आपने ध्यान से ना मिक्स मिक्सअप करके ना सेम समझ के रीड आउट करके अपनी वर्डिंग में लिखना है नेक्स्ट है स्टेप नंबर फिफ्टीन है इसमें आपने क्या करना है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पोंगो तो इसमें जिस तरह हमने ऊपर कॉमन काम, नेम बताया है चैम्पिनजन दूसरी स्पीशीज़ का इसका भी कॉमन नेम बताएंगे और इसकी परसेंट आइडेंटिटी बिटवीन ह्यूमन और इसके दरमियान पोंगो के दरमियान तो जो पोंगो है यहाँ पर उसकी परसेंटेज आइडेंटिटी है नाइन्टी नाइन पॉइंट थर्टी सिक्स परसेंट तो दूसरा जो इसका पार्ट है व्हाट इज़ द परसेंट आइडेंटिटी बिटवीन हुमन एंड पेंगो इज नाइन्टी नाइन पॉइंट थर्टी सिक्स परसेंट है ये इसका आंसर हो गया और फर्स्ट का जो इसका अब कॉमन नेम देखेंगे तो मैं यहाँ पे जाके इसके असर नंबर जो होगा इसके सामने लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करूंगी और इसका कॉमन नेम जो है वो देख लेंगे तो कॉमन नेम जो है ये यहाँ पर अभी शो हो जाता है जी इसका कॉमन नेम यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे सोर्स और ऑर्गेनिज़म्स का गोरीला गोरीला ठीक है गोरीला गोरीला इसका कॉमन नेम है यहीं से आपने कॉपी करना है ये ऊपर भी लिखा हुआ है सिक्वेंस के नेम के साथ भी तो यहाँ से कॉपी करके आपने इसका यहाँ पे नाम पेस्ट कर देना है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ नेक्स्ट जो है वो आपने बतानी है कि वट डज दिस वैल्यू परसेंट आइडेंटिटी इंडिकेट अबाउट दी वर्ल्ड रिलेशनशिप जी मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो रहा है तो जो मैंने ऊपर इसका आंसर बताया ना उसी को मर्ज करके यहीं पर आपने वो भी लिखना है ठीक है वो ये सेम अगर आप कुछ और अजाफी देखना चाहते हैं तो गूगल से वो और मज़दीद आपको ढेर सारा मटेरियल मिल जाएगा लेकिन यही है वो ठीक है ये जो मैंने ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा लिख के दिखाया है तो मेन यही है इसी को आपने अपनी वर्डिंग में बयान करना है स्पीशीज तो चूँकि डिफरेंट है लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम ही होते हैं नेक्स्ट है ने जो है पार्ट टू जो है इस क्वेश्चन का वो है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रडिक्शन है इसमें आपने क्या करना है जो प्रोटीन सिक्वेंस था ना ऊपर दिया गया ठीक है सोडियम पोटाशियम कैल्शियम जो होमोसेपिनस का सिक्वेंस था ठीक है ह्यूमन स्पीशीज का जो हमने सिक्वेंस लिया है उसका सिकवेंस हमने क्या लेना कॉपी करना है ठीक है और यहाँ पर ये कॉपी करने के बाद उसकी ये एक टूल होगा उस वहाँ पे जाके उसकी सकेंड्रीड स्ट्रक्चर प्रडिक्ट करनी है तो यहाँ पर उसकी अल्फ़ा हेल्क्स बीटा शीट जो स्ट्रैंड है ये उसकी सकेंड्री स्ट्रक्चर में आती है तो ये नीचे लिंक दिया गया है इसको मैं यहाँ से लिंक को कॉपी करती हूँ उस वेबसाइट का जहाँ से इसको इसकी जो स्केंड्रीड स्ट्रक्चर है वो प्रोडिक्ट करनी है वहाँ पे मैं इसको जाके ओपन करूँगी यहाँ मैं इसको क्रोम पे लिंक को ओपन किया अभी तो ये लिंक जो है आपने वहीं से ब्रैकेट्स के बग़ैर जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके ओपन कर लेना है तो ये मेरे पास इस तरह ओपन हो गया तो मैंने वही होमोसेपियस का जो सोडियम पोटाशियम वाला लिंक था ये का था सिक्वेंस वो कॉपी करूँगी लेकिन इसमें आपने हेडर नहीं लेना जो ऊपर इसका नाम वगैरह लिखा वो नहीं लेना जहाँ से सीकुंस शुरू हो रहा है वहीं से लेना है उसको कॉपी करना और पेस्ट कर देना है होमोसेपियनस वाला जो नेम जहाँ पर इसका हेडर लिखा है वो नहीं लेना और यहाँ पर आपने जो आपने वहाँ लिंक ओपन किया है उसके अंदर कापी पेस्ट करके सबमिट कर दें अब यहाँ पर सबमिट करने के बाद ये ऊपर जो होगा आपका सीक्वेंस नेम है कुछ भी अपनी आईडी लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है लेकिन आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है चलें ये जो था स्केंडर्ड स्ट्रक्चर मैंने जिसमें सिक्वेंस लिखा सबमिट किया और ये मेरे पास सिक्वेंस आ गया ये ऊपर जो मैंने एम सी एक्स एक्स अपना जो सिक्वेंस नेम था वो रख लिया है आप भी अपना आई डी नए वहाँ पर नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख लें ये मेरे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसकी आ गई है अब आपने क्या करने हैं यहाँ पर इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर का स्क्रीन शॉट ले लेना है ठीक है स्क्रीन शॉट इसको सेलेक्ट करेंगी यहाँ पर स्क्रीन शॉट से मैं स्क्रीन शॉट लूँगी और इसको वर्ड फाइल पर पे जाके पेस्ट कर देना है कॉपी करके इस तरह आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अपने जो है पीसी में सेव कर लेना है कुछ भी लिख के अगर आप पूरे पेज का एक दफ़े स्क्रीन शॉट ले कर एक ही लेंगी तो वो ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगा उसमें क्लियरिटी नहीं होगी तो आप कोशिश करें कि दो स्क्रीन शॉट ले लें ताकि जो है सीक्वेंस क्लियर नहीं नज़र आए तो सेकेंड पार्ट का मैंने ये दूसरा स्क्रीन शॉट ले लिया है। तो इसको भी मैं वहाँ पे सेव कर देती हूँ तो अब आपने क्या करना है उस क्वेश्चन में ये मैंने सेव किए हैं डेस्क टॉप पर ठीक है मैं वहाँ पर डेस्क टॉप को ओपन करती हूँ यहाँ पर अपनी डेस्कटॉप को यहाँ पर ये देखे सेव हुए हुए हैं यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी किया और वर्ड फाइल में इसके सोलूशन पर जहाँ पर हमने हाँ इसकी प्रडिक्ट करनी है इसके स्ट्रक्चर पेस्ट कर दिया है सिमिलरली मैं दूसरा जो पार्ट है जो मैंने सेकंड स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ से इसको कॉपी करूँगी और वर्ड फाइल में इसके नीचे जाके पेस्ट कर देना है सिंपल आपने सिर्फ इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये स्क्रीन शॉट ले के करने हैं नेक्स्ट है कि फिर आपने क्या करनी प्रिडिक्ट दी ट्रशरी स्ट्रक्चर ऑफ सीक्वेंस ठीक है और इसके लिए उन्होंने अलग से एक वेबसाइट दी हुई है उसका लिंक भी आपने यहाँ पे से कॉपी करना है क्रोम पे जाके उसको नई जो टैब होगी उसमें ओपन कर लें और फिर वही जो होमोसेपियंस का सीक्वेंस था जो पहले हमने यूज़ किया जिसके हमने स्कैंड स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट की है वो ही मैं यहाँ पेस्ट करूँगी इसमें भी आपने हेडर को इंक्लूड नहीं करना जस्ट सीक्वेंस को लिखना है तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह ये टैब ओपन हो जाएगी आपने दोबारा वही सीक्वेंस जो है वो कॉपी करना है विदाउट हैडर हैडर में मैं बार बार कह रही हूँ नेम लिखा होगा वो आपने नहीं लिखना सेशन आईपी एड्रेस लिखा होगा वो नहीं लिखना सिर्फ सीक्वेंस लेना है यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट का टाइटल देना चाहते हैं अपना दे सकते हैं एम अपनी आई लिख ले यहाँ पर कुछ भी और यहाँ पर बल्ट मॉडल पर क्लिक कर देना है वर्ल्ड मॉडल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि ये कितना ज़्यादा टाइम लेगा मेरे पास तो काफ़ी टाइम लिया है आपने वेट करना है कि ये जितना भी टाइम ले तो आपने इंतज़ार करना है इसका तो ये मेरे पास आ गया है स्टर्श स्ट्रक्चर इस तरह ये एक मॉडल अभी शो हो रहा है दूसरा जो है वो अभी रनिंग कर रहा है दूसरा अभी शो नहीं हुआ तो मैं यहाँ से क्या करूँगी इन ये जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर साइड पर दी हुई है इसका स्क्रीन ले लूँगी ठीक है? है मैं स्क्रीन शॉट लूँगी वहाँ से और इसको भी वर्ड के अंदर पेस्ट कर दूँगी मैं आपको स्क्रीन शॉट ले कर दिखाती हूँ यहाँ पर इस तरह आपने स्क्रीन शॉट इसका स्ट्रक्चर का ले लेना है टर्ट स्ट्रक्चर का और इसको भी सेव कर देना है नेक्स्ट ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है मॉडल की सारी ये इसको भी आपने इसी तरह बिल्कुल स्क्रीन शॉट इसका भी लेना है अभी मैं हाफ़ लेने लगी ले हूँ हाफ़ जो है मैं बाद में लूँगी इस तरह करके स्क्रीन शॉट जो होगा वो आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके पीसी में भी होगा वहाँ से भी आप इस तरह इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ये नीचे वाला जो हिस्सा रह गया था ये उसका अब लेती हूँ इस तरह अभी मैंने तीन अब ये स्क्रीन शॉट लिए हैं कंप्लीट सिक्वेंस का और ये सात पिक्चर का थ्री डी जो पिक्चर थी नज़र आ रही टर्चरी स्ट्रक्चर उसका अब दोबारा मैं इसी तरह मेरे पास ये डेस्क टॉप पर सेव मैं करती हूँ आप अपनी पिक्चर लाइब्रेरी में भी सेव कर सकते हैं और वहाँ से वे जा के इजर्ट कर सकते हैं एम एस वर्ल्ड पर लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पर अब किया हुआ है ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर मैंने ये पेस्ट ये सेव किए थे तो मैं यहीं से इनको कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ एम एस पे यहां यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी अच्छा ये एक उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर की थ्री मॉडल हो गया और नीचे आपने इसकी फिर सीक्वेंस भी लिख सकते हैं याद रखें थर्ड तर, टर्शरी स्ट्रक्चर का ये मॉडल एक ही होगा और जो सीक्वेंस वाले मॉडल हैं वो दो या तीन हो सकते हैं वो आप तीन या दो सारे जो हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं मेरे पास तो अभी एक हुआ था इसी तरह आप इंसर्ट पे भी जाके एम एस में इंसर्ट पे भी जाके यहाँ से भी पिक्चर अगर आपने सेव की हुई है स्क्रीनशॉट वाली तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं मैंने तो डेस्कटॉप पे जो है सेव की थी मैं वहीं से कॉपी करके यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ तो ये दो हो गए और ये लास्ट वन जो था उसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपको समझ आ जा जाएगी आपको पता चल जाएगा कि आपने ऑनलाइन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किस तरह बनानी है ये जो ऊपर पिक्चर्स टूल है यहाँ पर जाके आप पिक्चर्स की कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं जैसे मैंने अभी दे दिया है इस तरह करके नेक्स्ट जो थर्ड वन है कि प्रोटीन करैक्ट्राइजेशन करनी है अब हमने तो वो एक्सप्रेस पर आपने जाना है वहाँ पे प्रोटीन करकट्राइजेशन करनी है और उस एक्सप्रेस पर जाने के लिए आपको यहाँ पे सीक्वेंस ऑलरेडी प्रोवाइड है और वहाँ पे प्रोटीन सिक्वें जो जो करेक्टराइजेशन है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड बताने हैं हैंटेबिलिटी इंडेक्स बताना है और मालिकुलर वेट बताना है ठीक है तो इसके लिए मालिकुलर वेट नंबर ऑफ एसिड एंड स्टेबिलिटी इंडेक्स मालूम करने के लिए हम कहाँ जाएँगे एक्सप्रेस पे तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ उस स्क्वेंस को न्यू टैब में जाके उसको ओपन कर लेती हूँ जी तो यहीं से मैंने कॉपी किया था आपने अब क्या करना है इसी तरह कॉपी करेंगे ये देखे मेरे पास एक्सप्रेस ओपन हो गया है यहाँ पर अब मैंने क्या किया है उसी सीक्वेंस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है जिसकी हमने स्केंड्री स्ट्रक्चर मालूम की थी होमोसेपियंस वाली तो यहाँ पर भी आपने हेडर के बग़ैर जो है जस्ट सिक्वेंस लेना है और उसको कापी करके यहाँ पर पे पेस्ट कर देना है तो मैंने पेस्ट कर दिया है तो मैं यहाँ पर कंप्यूट मालिकुलर वेट और पीआई जो इसकी वैल्यूज़ हैं उसको कंप्यूट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी तो इस तरह ये आ जाएगा आप देख रहे हैं इसमें च्योरिटी पीआई और मालिकुलर वेट दो चीज़ें दी हुई हैं हमें इस में और कोई चीज़ नहीं दी हुई इसमें हमें मा एसिड ऐसिड सिक्वेंस के नंबर भी नहीं बताए हुए कि माइनो एसिड कितने नंबर हैं और इसका इंस्टेबिलिटी इंडेक्स भी नहीं बताया हुआ तो अभी मैं दोबारा इसका यही स्क्रीन शॉट लेती हूँ दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं इसका यहाँ से मैं स्क्रीन शॉट लूँगी और इसी को बिल्कुल उसी तरह सेव करके वहाँ पे वर्ड पे जाके इंसर्ट कर लेंगे यहाँ से इसको कॉपी करना है यहाँ पे पेस्ट कर देना है अब हमारे पास दो चीज़ें अभी रहती हैं जो इस टूल से हमें नहीं मिली एक ये वाला इंस्टेबिलिटी इंडेक्स और दूसरा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है दोबारा एक्सपैसे पे ही जाना है लेकिन उसके किसी और टूल पे जाना है ठीक है इंस्टेबलिटी इंडेक्स मालूम करना है और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इस तरह आपने एक्सपेसे लिखना है क्रोम पे और ये जो एक्सपेसे एस आई बी सविस इंस्टीट्यूट ऑफ बायफॉर्मेटिक्स आएगा उसको ओपन कर लेना है एक्सपेसे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर डिफरेंट टूल्स होंगे लेकिन आपने जो टूल्स लेना है जिससे आपने इसका इंस्टेबिलिटी इंडेक्स मालूम करना है वो होगा यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है उसका नेम उसका नेम है प्रोटफार्म ये काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं लेकिन आपने ध्यान से उसको सर्च कर लेना यहीं पर होगा जी ये लिखा हुआ है प्रोट पार्म प्रोट पार्म पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से यहाँ पे ब्राउज़र दी रिसोर्स वेबसाइट पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने ये टैब आ जाएगी इस टैब के अंदर आपने वही सीक्वेंस जो यहाँ पर आपने निकाला था होमोसपियस का वही कॉपी करके विदाउट हैडर यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर कंप्यूटर पैरामीटर्स पे जाना है जब आप पैरामीटर्स पे जाएंगे यहाँ पर ही आपको इसका नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड ठीक है न्यूक्लियोटाइड लेंथ वेट वग़ैरह सब कुछ नज़र आ जाएगा आप थ्रोटिकल आई पी भी नज़र आ जाएगी सॉरी पी आई तो मैं इसका नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड जो है वो कॉपी करती हूँ क्योंकि अब बाकी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हमारे रह गए थे सेकेंड वन जो चीज़ है वो हमारे पास है इंस्टेबलिटी इंडेक्स तो वो भी जो है लास्ट पे दिया हुआ है इंस्टेबलिटी इंडेक्स भी वो भी आपने इसके लास्ट में चेक कर लेना है आपने यहाँ से सिर्फ इसका इंस्टेबलिटी इंडेक्स और अमाइनो एसिड नंबर ही सिर्फ कॉपी करने हैं ये लास्ट पे है इंस्टेबलिटी इंडेक्स ये वाला ठीक है फोर्टी टू पॉइंट समथिंग या कुछ तो वो यहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पर लिख लेने हैं इसके बाद आपने अपनी इस फाइल को एम एस वर्ड में भी सबमिट करवा सकते हैं और पी डी एफ़ की शक्ल में भी जो है आप इसको सबमिट करवा सकते हैं अब हमारे पास जो है पैरामीटर जो हमें चाहिए थे नंबर ऑफ सिक्वेंस भी अंस्टेबिलिटी इंडेक्स भी मालिकुलर वेट और पी आई भी और इसकी ओवरऑल जितनी भी रिक्वायरमेंट दी गई गे, पूछी गई हैं हमसे वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं आई होप आपको समझ आ गई होगी अगर कोई इसमें गलती हुई तो आप ठीक कर लीजिएगा और अपनी असाइनमेंट यूनिक बनाइएगा और इसी तरह आप डिफरेंट वेबसाइट को जो है जो जो बताए गए हैं स्टेप इसी तरह उनको फॉलो करके आपने बताया लिखना है सिर्फ इंस्टेबलिटी इंडेक्स को जो था वो हमें बताए गए जो टूल है उसमें नहीं मिला इसी के साथ मुझे दीजिए